Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about another figure of speech, that is onomatopoeia. So let's start. A way in which poet can create sounds in a poem. कि poem मतलब poet का लिखने का तरीका जिसमें वो poem के अंदर sound को create करे, उसे onomatopoeia बोला जाता है. सो मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगी कि पोएट के लिखने के तरीके को जिसमें वो पोएम के अंदर साउंड को क्रिएट कर सके उसे बोला जाता है ओनोमेटोपिया. अ वे इन विच पोएट कैन क्रिएट साउंड्स इन अ पोएम. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक लाइन मैं बोलती हूँ द बजिंग बी फ्लू अवे. बजिंग क्या है? साउंड हो गई, मतलब बज करना इज़ अ साउंड. सो द बजिंग बी फ्लू अवे, ये एक तरह की इस सेंटेंस के अंदर जो है मैं किसी की साउंड के बारे में बात कर रही हूँ. इस सेंटेंस को बताते समय मैं साउंड क्रिएट कर रही हूँ, इस सेंटेंस को फॉर्म करते समय मैं साउंड को क्रिएट कर रही हूँ. सो द बजिंग बी फ्ल्यू अवे. देन द सैक फेल इनटू द रिवर विद अ स्प्लैश. स्प्लैश क्या है? यहाँ पे साउंड है. द सैक फेल इनटू द रिवर विद अ स्प्लैश. द बुक्स fell on the table with a loud thump. अब मैं यहाँ पे sound create कर रही हूँ, so उसको बोला जाता है onomatopoeia. The books fell on the table with a loud thump. Then इससे क्या होता है, onomatopoeia को अगर कोई poet जो है अपनी poem के अंदर add करता है तो इससे क्या होता है, auditory sense जो है add होता है poem के अंदर. It adds auditory sense in the poem. अब सबसे अच्छा example जो onomatopoeia का हो सकता है वो मैंने James Joyce की poem Ulysses से लिया है. I was just beginning to yawn with nerve thinking. He was trying to make a fool of me when I know his subtract. Subtract at the door. ये जो subtract है ये कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट करती है. सट्रैक्ट एट द डोर, ये सट्रैक्ट क्या है? साउंड ऑफ नॉकिंग एट द डोर, कि जब हम डोर को नॉक करते हैं यानी दरवाज़ा खटखटाते हैं, सो उस साउंड को बोला जाता है सट्रैक्ट. सो जेम्स जॉयस की पोएम यूलिसिस एक अच्छा एग्जांपल है ओनोमेटोपिया का. आई वॉज जस्ट बिगनिंग टू यॉन विद नर्व थिंकिंग. ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी व्हेन आई न्यू हिज सट्रैक्ट एट द डोर. और सट्रैक्ट क्या होता है? साउंड ऑफ नॉकिंग एट द डोर. देन एमिली डिकिंसन की पोएम आई हर्ड ऑफ फ्लाई बज. प्लीज़ रिमेंबर दिस, आई हर्ड ऑफ फ्लाई बज, जिसमें बोला जाता है ये बज जो है साउंड क्रिएट हो रही है, इसी लाइन के थ्रू साउंड क्रिएट हो रही है. सो आई हर्ड अ फ्लाई बज, ये बज जो है इससे साउंड क्रिएट हो रही है. व्हेन आई डाइड द स्टिलनेस इन द रूम वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन हेवन्स ऑफ स्टॉर्म. ये प्लीज़ रिमेंबर, ये जो बज है इसी सेंटेंस के अंदर जो है किसी साउंड को क्रिएट कर रही है. सो ओनोमेटोपिया क्या होता है, जिसमें जो है किसी मतलब पोएट क्या करता है पोएम को मतलब क्रिएट करते समय उसके साथ साथ जो है साउंड भी क्रिएट करता है, सो उसे ओनोमेटोपिया बोला जाता है. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. एंड फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स फिगर ऑफ स्पीच पे अपलोड कर दिए हैं, सो आप मेरे अगर चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. मैंने क्रोनोलॉजी में सारे अपलोड कर रखे हैं. सो इसी के साथ फ्रेंड्स ये लेक्चर एंड होता है. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग.